अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल है आप सब लोगों का? क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अच्छा, अब आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को शेयर कर दें। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर दें, क्योंकि आज मैं और यासिर भाई जो बातें बताएंगे, ठीक है, वो इंतहाई कमाल बातें होंगी, और वो बातें होंगी जो कि पेड कंटेंट में होती हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग, अपने कान खोल लें, अपने साथ एक अदद किताब रख लें, जिस किताब में सब नोट कर लें। ठीक है, मैं आपके सामने बहुत सारे इंकशाफात करने वाला हूं। ठीक है, ये सेशन इंशाल्लाह खत्म होते ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जूम पे ना करने की वजह ये है कि बच्चे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिर लोग बाद में हमें गालियां देते हैं कि यार ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो इस वजह से क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले सकेंगे हम किसी के भी, ठीक है, बट चीजें आपको इंशाल्लाह सारी बता दी जाएंगी। यासिर भाई, आप जरा माइक टेस्ट करें अपना, अपनी आवाम को जरा जगाएं। आवाज है मेरी आपको? मेरे को तो आ रही है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आज का सेशन इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सब के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान को अगर आप देख ले, पाकिस्तान और यूएई को, तो दोनों में बस हल्का पुल्का ही डिफरेंस है। कुछ लीगलिटीज़ है वहाँ पे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती है यूएई में। बाकी पाकिस्तान में तो कोई इशू ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कुछ भी चल जाता है। तो इस वक्त 1200 लोग हैं हमारे पास, और सिर्फ 50 बंदों ने को अल्लाह ने तौफीक दी है कि जिन्होंने शेयर किया हुआ है। तो आप काइंडली मेहरबानी करके शेयर करें, ताकि इतने में कुछ बंदे और आ जाए और हम प्रॉपर स्टार्ट ले लें। प्लीज शेयर कर दे, कम से कम 1000 शेयर तो आने चाहिए इसके ऊपर। कुछ सिर्फ 2-4 मिनट लेंगे, क्योंकि नमाज का टाइम था, हमने थोड़ा लेट किया कि चले नमाज से लोग फारिग हो जाएं। तो अभी तो मोस्टली हो चुके होंगे, लेकिन 2-4 मिनट के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं। अब लोग मेहरबानी करें, इसको शेयर करें। मीनवाइल अगर हमारी नज़र से कोई क्वेश्चन गुजर रहे तो चले वो आंसर कर देंगे। किधर शेयर कर दिए? सारे कह रहे शेयर कर दिए, उधर शेयर सिर्फ 67 आ रहे। अजीब बंदे हो यार। जी मैं आपकी वीडियोस मक्का अल हरम से बैठ के देख रहा हूँ, जज़ाकअल्लाह, हमारे लिए दुआएं कीजिएगा जी। यूएई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शेयर्स, हिम्मत पकड़े, इसको 1000 कर दे। नहीं, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है। वैसे इस सेशन में हम ड्रॉप शिपिंग को भी कवर करेंगे, लेकिन आप ट्राई करें कि आप अपना स्टॉक अपने पास रखेंगे तो अच्छा काम बनेगा आपका।
लव फ्रॉम गुजरावाला। ओके नाजरीन, लेट स्टार्ट। अच्छा, ये सेशन यूएई का नहीं है, ठीक है? ये सेशन यूएई का नहीं है, ये सेशन पूरा का पूरा गल्फ का है, ठीक है? ये सेशन एंड तक देखना है। इस सेशन के एंड में कुछ गुड न्यूज भी आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है? अच्छा, इस सेशन के अंदर हम खाली यूएई डिस्कस नहीं कर रहे, यूएई का मतलब पूरा गल्फ होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आप लोग को ना कुछ मार्केट के बारे में आइडिया देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि होता किस तरीके से, हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? मैं सारी चीजें आप लोग को समझाता हूँ। जो लोग बहुत ही ज्यादा तालीमी याफ्ता हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा और पुराने, स्पेसिफिकली पुराने लोग हैं, ठीक है, जो लोग पुराने पापी हैं ई कॉमर्स के या बिजनेस के, ठीक है, उनका कहना ये है, उनका कहना ये है कि जो गल्फ है, गल्फ के अंदर क्या क्या आ जाता है? यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरेन, कुवैत, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? तो मैं आप लोग को कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ही, जो लोग जिन्होंने गल्फ में टाइम गुजारा, जिन्होंने यूरोप में टाइम गुजारा, जो 40 साल 45 साल के लोग हैं, जब उनसे मिलते हैं तो बात ये सामने आती है कि अगला यूरोप जो है, अगला जो वेस्ट है, वो गल्फ बनेगा। आज किस तरीके से अमेरिका का वीजा लेना मुश्किल है, इसी तरीके से आने वाले वक्तों के अंदर गल्फ का वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गल्फ ने अपनी सारी स्ट्रेटजीज को चेंज कर दिया है, ठीक है? कैसे चेंज किया? आप लोग को पता है जो गल्फ था, सबको ये बात पता है, जो अरबी, ये जो शेख थे, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये तेल पे, ऑयल पे गुजारा करते थे, ठीक है? बट आप सबको पता है कि ग्लोबली ऑयल की मार्केट ने एक शिफ्ट लिया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है? तो बाकी चीजों के पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अब जहां, जब दुबई में लोगों से मुलाकात हुई, दुबई में लोगों से जब मुलाकात हुई, दुबई में वो लोग जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं या लॉजिस्टिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे जब बात हुई, उनसे जब मुलाकात हुई, ठीक है, तो पता ये चला कि गल्फ जो है अपनी, दुबई स्पेसिफिकली यूएई अपनी इकोनॉमी को ई कॉमर्स के अराउंड रिवॉल्व करना चाहता है, ठीक है? अच्छा, अज्यूमिंग के मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम ई कॉमर्स बैकग्राउंड, आप लोग मोस्टली ई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, और आप लोग जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स करते आ रहे हो, ठीक है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से चीजों को बताऊंगा। मैं अपने शायद पिछली वर्कशॉप में भी एक चीज मेंशन की थी कि पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स करने का तरीकेकार सेम है, ठीक है? ई कॉमर्स करने का तरीकेकार एब्सोल्युटली सेम है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ई कॉमर्स दूसरे तरीके से होता है तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स दूसरे तरीके से होता है। वही चंद चीजें हैं ई कॉमर्स करने के लिए चाहिए, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, कंटेंट और ऑपरेशंस, ठीक है? बाकी तीन चीजें जो है पूरी दुनिया के अंदर सेम रहती है, जो चौथी चीज होती है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? ऑपरेशंस जो है वो हर जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है? अभी मैं स्पेसिफिकली आपसे अगर यूएई की बात करूं, यूएई के अंदर कमोपेश 1 करोड़ की आवाम है, ठीक है? कमोपेश 1 करोड़ लोग रहते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में सिर्फ एक, पाकिस्तान में अगर 23 करोड़ की आवाम है तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ की आवाम यूएई के अंदर है, ठीक है? लोग कहते हैं कि कल ही मेरी किसी से बात चली थी तो वो एक जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि बहुत छोटी मार्केट है। एक्चुअली मार्केट जो है इन साइज छोटी है, ठीक है, बट इधर इंटरनेट पेनिट्रेशन 100% है, ठीक है? इंटरनेट पेनिट्रेशन 100% है, जिसकी वजह से यहाँ की जो बाइंग हैबिटेट्स है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? जो बाइंग का तरीका है, जैसे हमारे यहाँ, अगर आप हमारे यहाँ एक वाजे मिकदार में नजर आता है कि एक सर्टेन ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, बट मिडिल ईस्ट के अंदर आप जाते हो तो पॉवर्टी वाले लोग जो
बिल्कुल पुअर है वो बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे 5 साल गुजार चुका है ना, वो यही कहता है कि यार दुबई की हवा में पैसा है। ठीक है, दुबई की हवा में पैसा, ये लोगों का कहना है। ठीक है, जैसे मैं, मेरी आवाज सही आ रही है? जी, ठीक है, कंटिन्यू रखें। इंटरनेट पेनिट्रेशन कहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं 100% पीपल हैव इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, अब ई कॉमर्स यहाँ भी वैसे ही होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम काम करते हैं तो हमें किसी किस्म की कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और हमें किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, फलाना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। जब आप कुरियर से अकाउंट खुलाने जाते हैं, आप उसको अपना NIC भेजते हो, अपनी चेकबुक की पिक्चर भेजते हो, वो अपना अकाउंट, आप वो अपना क्या कहते हैं, अकाउंट खोल देता है। पर जब हम गल्फ कंट्रीज की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लीगलिटीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, टैक्सेशन और लीगलिटीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपको बेसिक लीगल स्ट्रक्चर बता देता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप जो कंपनी खोलते हो, ठीक है, कंपनी खोलने की जो मिनिमम कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, वो कॉस्ट नहीं बता रहा जो आपको फेसबुक पे लोग लिखते हैं, फेसबुक पे लोग जो है ना चीजें एड्स चल रही होती हैं कि दुबई में कंपनी खोलो इतने की। दुबई में अगर आपने कंपनी खोलनी है तो मिनिमम कॉस्ट आपकी 12,000 दिरहम होती है। ठीक है, 12,000 दिरहम्स मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है, जिसमें आप कंपनी खोलते हो, या 12,000 से शुरू होती है, ये 50,000 तक जाती है, डिपेंडिंग कि आप शारजा में खोलना चाहते हो, आप दुबई में खोलना चाहते हो, आप फ्री जोन में खोलना चाहते हो, मेनलैंड में खोलना चाहते हो, जहां भी आप खोलना चाहते हो, तो ये मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, कंपनी खोलने के बाद जो आपकी जो मेजर कॉस्ट होती है वो होती है वीजा की कॉस्ट। कंपनी खोलने से आपका काम नहीं होता, आपका आपको कंपनी खोलने के बाद आपको वीजा वीजा लेना मैंडेटरी है। ठीक है, जब आप वीजा लेते हो, रेजिडेंसी लेते हो, रेजिडेंसी लेने के बाद आप आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, जब आपकी रेजिडेंसी आती है तो आपको बैंक अकाउंट का एक्सेस मिलता है। तो रेजिडेंसी की इटसेल्फ कॉस्ट कोई तकरीबन 3 से 5 हजार के दरमियान होती है, तो ओवरऑल आपका एक अच्छा खासा पैकेज बन जाता है। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट होती है, ये रिन्यूअल भी होता है इसके ऊपर, एक सर्टेन सर्टेन चार्जेस लगते हैं हर साल अपनी कंपनी को रिन्यू कराने के। जैसे आप अगर कंपनी रिन्यू करा रहे हो तो हर साल कंपनी रिन्यू होती है, हर साल रेजिडेंसी रिन्यू होती है। ठीक है, रेजिडेंसी 2 साल में रिन्यू होती है। ठीक है, तो उसकी भी आपको कॉस्ट देनी होती है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे सबसे जो हैक्टिक काम है, ठीक है, वो है आपका सेटअप कॉस्ट। सबसे मुश्किल काम होता है सेटअप कॉस्ट। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, अगर आप यहाँ तंदूर भी खोल रहे हो तो आपको तंदूर खोलने के लिए लाइसेंस लेना है, तंदूर खोलने के लिए आपने जो लोग पाकिस्तान से बुलवाने हैं उन सबके लिए रेजिडेंसी लेनी है। तो आप कोई भी बिजनेस खोलते हो ना, तो आपके 50,000 दिरहम तो सिर्फ और सिर्फ लीगल एंटिटीज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, 50,000 दिरहम सीधे सीधे आपके लीगल एंटिटीज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये लीगल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सिंपल टैक्सेशन का बहुत सिंपल है, 5% वेट है। ठीक है, 5% वैट चार्ज होता है आपकी सेल्स पे। इनका सेल्स का जो थ्रेशोल्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 375,000 पर ईयर है, जो आप इजीली क्रॉस कर लेते हो। ठीक है, तो आपका 5% जो है सेल्स का वैट में जाता है, तो आप अपनी कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हो। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग अक्सर टैक्स बचाने के लिए या हम बिल्स नहीं बना के देते, दुबई में इस चीज को मायूब समझा जाता है। ठीक है, दुबई में गल्फ में वैट ना पे करना मायूब समझा जाता है, वहां लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं वैट पे करने के लिए, दे पे वैट ऑन एवरी परचेज। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार पर्ची नहीं बनाओ, मुझे वैट नहीं दो। ठीक है, तो ये दुबई के लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वैट पे करना, टैक्स पे करना, क्योंकि उनको उस वैट और उस टैक्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है? अब लीगल स्ट्रक्चर जो है, ये वाली जो लीगल की जो चीज है, ठीक है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहाँ पे सेटअप किया तो हमें लग पता गया कि यार हमें हमें एम्प्लॉयज की वीजा कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ी, उनकी इंश्योरेंस भी करनी पड़ी, फिर वो इजारा, और बहुत ज्यादा एक लीगल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो लीगल्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। अब ई कॉमर्स यहाँ पे करने के लिए तरीकेकार सेम है। ठीक है, देर आर थ्री थ्री प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। नंबर 1 अमेजोन, नंबर 2 नून, और नंबर 3 शॉपिफाई। अच्छा, अमेजोन का दुबई के अंदर जो हाल है वो समझो ऐसा है कि लोग अमेजोन को ना कस्टमर इतनी इज्जत देता है, ठीक है, ना सेलर इतनी इज्जत देता है। सेलर
सेलर की कोशिश होती है मैं ज्यादातर नून पे बेचूं, ठीक है। सेलर की हर वक्त कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादातर नून पे बेचूं इंस्टेड ऑफ अमेजोन, क्योंकि यहाँ का जो अमेजोन है वो थोड़ा सा मेल फंक्शन है, ठीक है। वो अमेजोन नहीं है जो हम यूएस यूके में करते थे, हर चीज सिस्टमेटिक बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें चल रही हो। ये बहुत, यहाँ का अमेजोन बहुत फारिग है, मतलब इनके सिस्टम्स और इनका स्ट्रक्चर काफी हद तक फारिग है, ठीक है। अच्छा, अब नून पे यहाँ पे काम किया जा सकता है। अब नून पे यहाँ काम करने के लिए आपके पास बिजनेस ट्रेड लाइसेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। ट्रेड लाइसेंस इज मैंडेटरी, जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी खोलना लाजमी है, आपकी रेजिडेंसी होना लाजमी है। बट यहाँ पे जो दूसरा सबसे अच्छी चीज है, दूसरा सबसे अच्छा मॉडल है, वो है शॉपिफाई। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपनी प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूएस यूके में काम करने का तजर्बा रखा हो तो यूएस यूके के अंदर हम एक सर्टेन ब्लीडिंग पीरियड से गुजरते हैं, $2,000 $3,000 की तो हम एड्स चलाते हैं और उसके ऊपर रिजल्ट्स ही नहीं आते, ठीक है। हमसे वो टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं कि यार कौन सी ऑडियंस, कौन सा क्रिएटिव, क्या चीज हमारे लिए बेहतर है। बट मिडल ईस्ट की खास बात यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर उस तरीके से लोग ई कॉमर्स नहीं कर रहे जिस तरीके से पाकिस्तान में कर रहा है। अब मैं आपको रीजन समझाता हूँ। आपको, अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो, अगर आप अपने खानदान में देखो, आपके खानदान में जो भी बंदा दुबई जा रहा होता है तो 80% सिनेरियो के अंदर क्या होता है, वो नौकरी करने के लिए दुबई जा रहा होता है, ठीक है। उसे क्या करना है, नौकरी करने के लिए दुबई जा रहा है। लोग कारोबार करने के लिए दुबई सऊदीया बहुत कम आते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग 80% पीपल कम हियर फॉर द जॉब। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में वो जो रात को चाय पे बैठक का सिनेरियो है कि हम रात को चाय पे बैठते हैं, बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हैं, ठीक है, और कल हम एक बिजनेस ऑन कर देते हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी के 10 से 12 घंटे नौकरी में देते हैं और 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में देते हैं, तो वो उनको पूरा ड्रेन आउट कर देता है। यहाँ पे लोग लिटरली ट्रैफिक की वजह से ड्रेन आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम को पता भी है कि यार ये चीज मुझे ऑफलाइन सस्ती मिल सकती है, बट वो ऑनलाइन प्रेफर करती है, यार वहां जाऊंगा पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी और पार्किंग के यहाँ पे चार्जेस भी होते हैं, एवरी आवर यू हैव टू पे 5 dirhams, ठीक है। तो लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन शॉपिंग को अडॉप्ट कर चुका है, उनको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ चुकी है। ऑनलाइन शॉपिंग की आदत के साथ साथ उनकी एपेटाइट भी है, उनकी मतलब जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो भी इस तरह की है कि लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको कट एंड शॉर्ट करता हूँ। यहाँ पे ई कॉमर्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी उनके लिए बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में बैठे हुए, ठीक है, जो पाकिस्तान में बैठे हुए मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को चाहिए वेयर हाउस, ठीक है, आप लोगों को चाहिए होता है वेयर हाउस जहां पे आपका माल पड़ा हुआ हो, ठीक है। आपको चाहिए होती है कुरियर कंपनी, ठीक है, जहां से आपके ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे हो। ये पूरा टेक इक्विप्ड काम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेक इक्विप्ड काम होता है। बट यहाँ पे जब आप कुरियर अकाउंट खुलवाने जाते हो या 3PL वेयर हाउस लेने जाते हो, वो आपसे आपका लाइसेंस मांगते हैं, बोलते हैं अपना लाइसेंस दिखाएं आप, ठीक है, लाइसेंस के ऊपर आपको अकाउंट खोल के देते हैं। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान से बैठ के लोग करना चाह रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, ना उनके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो लाइसेंस बाय कर सके। तो एक चाइनीज कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक चाइनीज कंपनी का कॉन्सेप्ट है जो मैंने अडॉप्ट किया, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी अडॉप्ट किया, आई एम नॉट द ओनली वन। उन्होंने क्या किया है, अपनी एक बड़ी LLC मेनलैंड LLC बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वहां से सब अकाउंटिंग सिस्टम शुरू कर देते हैं, ठीक है। इफ यू आर इन पाकिस्तान, यू वांट टू डू ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, यू कैन यूज आर सिस्टम्स, ठीक है। खाली मैं नहीं कह रहा ये बात, ये पाकिस्तान बहुत सारे पाकिस्तानी करते हैं और बहुत सारे बंगाली भी ये काम करते हैं ताकि बांग्लादेश के लोगों को इनेबल किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है वो चाइना का कॉन्सेप्ट है। चाइना ने यहाँ पे एक कंपनी फॉर्म की कि यार मसला यह है कि जो दुबई की मार्केट है वो COD मार्केट है, ठीक है ना। दुबई की मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई कैश ऑन डिलीवरी के लिए उनके पास सिस्टम्स नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर अली एक्सप्रेस के सेलर्स थे। अली एक्सप्रेस को आदत है कि कार्ड से पेमेंट की, अली एक्सप्रेस को कार्ड से पेमेंट की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस के जो सेलर्स थे उनको दुबई के अंदर पेनिट्रेट करना था, तो फिर क्या हुआ, एक चाइनीज कंपनी आई, चाइनीज कंपनी ने अपने लाइसेंस से एक कुरियर कंपनी और एक वेयरहाउसिंग एस्टैब्लिश की और अपने चाइनीज कम्युनिटी को, जो चाइनीज कम्युनिटी थी उसको फ्री एक्सेस दे दिया कि भाई ये लो कुरियर के अकाउंट्स, ये लो 3PL के अकाउंट्स, तुम लोग अपना काम शुरू करो, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को मैंने रेप्लिकेट किया और मैंने भी कॉपी किया कहीं से, मेरा खुद का कुछ इसमें दिमाग नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत पहले से भी ये काम कर रहे हैं कि भाई वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ कुरियर कंपनी हियर, वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ 3PL सिस्टम ओवर हियर, वी हैव एबिलिटी
टू गिव इंडिविजुअल सेलर अकाउंट टू एवरीवन। आपको 3PL का अकाउंट भी बना के दे सकते हैं, हम कुरियर अकाउंट भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएई गवर्नमेंट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव, एनीथिंग गोज रॉन्ग वी आर लायबल फॉर दैट, एनीथिंग गोज रॉन्ग, एनीथिंग एनी इफ देयर इज एनी मिसकमिटमेंट वी आर गोइंग टू सफर, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ व्हाई वर्किंग इन यूएई एंड वर्किंग इन जीसीसी इज अमेजिंग। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सोर्सिंग बहुत अच्छी है, यहाँ सोर्सिंग करना बहुत मजे का काम है, ठीक है, सोर्सिंग करना इतना मजे का काम है। आप लोग में से कोई है जो पाकिस्तान में सेलर हो, मुझे कोई अभी कमेंट में बता सकते हैं कोई पाकिस्तान में सेलर है, कोई पाकिस्तानी सेलर्स हैं मौजूद हैं जो पाकिस्तान में बेच रहे हो, जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सेलर्स है ना, अब मैं आप लोग का एक एक दर्द उठाता हूँ। आप लोग का एक दर्द क्या है कि आप लोग बहुत सारी प्रोडक्ट हंटिंग करते हो बट आप लोग के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती। आप बोलते हो यार मैंने चाइना से वो प्रोडक्ट मंगवानी पड़ेगी, ठीक है, चाइना से वो प्रोडक्ट मंगवानी पड़ेगी तो वो 2 महीने और 3 महीने बाद चाइना से वो प्रोडक्ट आएगी। ऐसा ही है, यहाँ पे आएगी तो ड्यूटी इतनी ज्यादा लगती है, यही मसला आता है आप लोगों को, यही इशू आता है जिसकी वजह से आप लोग कहते हो कि यार बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे हमें खेलना पड़ता है। अब यूएई के अंदर या पूरे जीसीसी के अंदर जब हम काम करते हैं ना, हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि भाई हम लोग ने अली एक्सप्रेस पे या अली बाबा पे या किसी भी अकाउंट पे जाके प्रोडक्ट देखी, प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी, ठीक है, प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी लगी, हमने उस प्रोडक्ट को फौरन से टेस्ट किया अपने टिकटॉक पे और फेसबुक पे, हमने फौरन से टेस्ट कर लिया, हमने ऐड चलाई $50 की, हमने देखा कि कितनी अच्छी सेल्स आ रही है, हमने देखा 10 ऑर्डर आ गए, 20 ऑर्डर आ गए, हमको समझ आ गया कि भाई ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। आप अलीबाबा पे गए, अलीबाबा पे अगर वो छोटी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने अलीबाबा पे प्रोडक्ट ढूंढी, ऑर्डर प्लेस किया, छोटी प्रोडक्ट है, बाय एयर 9 दिन में आपके यूएई के अंदर आ जाती है, 9 डेज मैक्सिमम, 9 डेज में क्लियरिंग के साथ आपके घर पे आ जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह, अगर आप बाय सी भी मंगाते हो तो 25 दिन के अंदर आपका माल आपके घर पे आ जाता है, ठीक है, आपके यूएई के वेयर हाउस में आ जाता है, सबसे अच्छी बात यह, जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा करते जाते हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप बड़ा करते जाते हो, यानी कि यू आर नॉट स्टक एनीवेयर, ठीक है। अच्छा आप लोग मेजोरिटी व्हाइट लेबल सेलर्स हो गए, वही प्रोडक्ट जो आपने पाकिस्तान के अंदर व्हाइट लेबल की वही प्रोडक्ट यहाँ भी होती है, ठीक है, वही प्रोडक्ट यहाँ भी बिकती है, ठीक है। यूएई में भी सप्लायर्स मौजूद होते हैं बट यूएई के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट का सप्लायर है इसका मतलब है उस पर कॉम्पिटिशन है, ठीक है, चाइना से हम प्रोडक्ट मंगाएंगे तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ठीक है, हमने तो एक यूनिक प्रोडक्ट, जैसे डाइवर्सिटी वाला है, डाइवर्सिटी को सब जानते हैं, डाइवर्सिटी की आपने देखा होगा अक्सर और बेस्टर प्रोडक्ट यूनिक होती है, वो और कोई सेल नहीं कर रहा होता, सिर्फ डाइवर्सिटी सेल कर रहा होता है, तो डाइवर्सिटी के पास एज ही ये है कि वो चाइना से अपनी प्रोडक्ट्स को सोर्स करता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ सोर्सिंग बहुत चिल सीन है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे आप मार्जिन अच्छे सिक्योर कर सकते हो, यहाँ पे आपके मार्जिन बहुत अच्छे सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आ जाए, आइडिया हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है यासर भाई? जी जी ठीक है, सही है, मसला तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है, ओके। अभी मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, ये वेबसाइट चेक करें आप, वेबसाइट नजर आ रही है आपको?
अगर आप ये वेबसाइट देखें, ये प्रोडक्ट जो आप सेल हो रही है 64.99 दिरहम्स की, ठीक है, 64.99 दिरहम्स की हो रही है, कोई मुझे बता सकता है इसकी अप्रोक्सीमेट लैंडिंग कॉस्ट कितनी होगी चाइना से? कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि इसकी अप्रोक्सीमेट लैंडिंग कॉस्ट कितनी होगी चाइना से? कैन यू गिव मी द आइडिया? इसकी लैंडिंग कॉस्ट है 7 दिरहम टू 10 दिरहम, 7 से 10 दिरहम के दरमियान इसकी लैंडिंग कॉस्ट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और चीजें दिखाता हूं, ठीक है। आप लोगों ने किस किस ने ईएमएस फुट मसाजर बेचा है? ईएमएस फुट मसाजर किस किस ने बेचा है? आप लोग में से किसी ने पाकिस्तान में ईएमएस फुट मसाजर बेचा है? ईएमएस फुट मसाजर बेचा है आप लोगों ने? आपको पता है दुबई में ईएमएस फुट मसाजर की लैंडिंग कॉस्ट कितनी है चाइना से? इट्स जस्ट 6 दिरहम्स, सिर्फ और सिर्फ 6 दिरहम्स की इसकी लैंडिंग कॉस्ट है, 6 दिरहम। सिर्फ 6 दिरहम की इसकी लैंडिंग कॉस्ट है, उसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस 49 दिरहम्स है। अच्छा, दुबई में आपकी जो और जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो टिकटॉक सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे स्ट्रांग जो है वो टिकटॉक है, ठीक है। सबसे स्ट्रांग प्लेटफॉर्म टिकटॉक का है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बेस्ट प्लेटफॉर्म इज फेसबुक, ठीक है। मार्जिन बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपके आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो नॉट मोर देन 30%, आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 30% से ऊपर नहीं होती, ठीक है, 30% से ऊपर नहीं होती। अच्छा, ये जो मैं आपको प्राइसेस दिखा रहा हूँ ना, ये जो सेलिंग प्राइसेस दिखा रहा हूँ, ये एकदम लोएस्ट सेलिंग प्राइसेस है, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है, ये सबसे लोएस्ट इस पर मैंने प्राइसेस लगाई हुई, क्योंकि इसके ऊपर मैं वो प्रोडक्ट्स लगाता हूँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री के अंदर मौजूद होती है, तो मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ काटना होता है, ठीक है, सिर्फ उसको निकालने के लिए मैं लगाता हूँ। मैं इस पर कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेचता, इस पर वो प्रोडक्ट बेचता हूँ जो मुझे सिर्फ और सिर्फ फारिग करानी है, तो उसके लिए मैं इस पर बहुत कम प्राइसेस लगाता हूँ, सही है। अब आप लोगों ने लैंप्स बेचे, यहाँ पे 80 दिरहम, 90 दिरहम और 100 दिरहम का लैंप बिक रहा है, ठीक है। आप लैंप्स के अंदर इतनी ज्यादा आपने लैंप्स तो बेच बेच के थक गए होंगे आपको, तो लैंप्स इतने ज्यादा है, ठीक है, लैंप्स को आप बेचें। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है ना, जो प्रॉफिट्स वो सेम उसी तरीके से हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर है। जो कैलकुलेशन हमने पिछली वर्कशॉप में डिस्कस की थी वही सेम कैलकुलेशन इधर भी है, ठीक है, वही नेट प्रॉफिट परसेंटेज है, वही ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है। आप 10,000 दिरहम की सेल करके आप 2,000 दिरहम घर पे लेके जाते हो, ठीक है, सिंपल इतना ही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 2,000 दिरहम भी बचा लिए तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपीस पर मंथ, ठीक है। सोर्सिंग करने का सबसे अच्छा तरीका चाइना है, चल चीन, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सारी बता रहा हूं, मैं पहले सबको एक स्टोर दिखा दूं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों को एक स्टोर दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। विंडो शेयर कर दे फैजान भाई। मैं कर रहा हूँ ऑन कर दो एक मिनट, मैं कर रहा हूँ।
जैसे भाई आपका भी तो देखना है ना, वो आपने अपना शॉपिफाई लॉगिन किया हुआ है कौन सा शॉपिफाई? अच्छा आपका, यूए वाला पिशावरी चप्पल लॉगिन हाँ, लॉगिन कर लेता हूँ। करें, ये सेशन डिलीट कर देंगे ना उसके बाद। एक मिनट रुके, मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ। एक ये आपका पेमेंट गेटवे मेथड, डिलीवरी, कोरियर, सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा सुकून करें, सारी चीज़ें आज क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ पिशावरी चप्पल ही दिखा सकता हूँ, और तो कुछ नहीं दिखा सकता। ये चेक करें, आप ये देख रहे हैं सेल्स, ठीक है। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या प्रोडक्ट थ्रू आउट द, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बिकती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स नजर आ रही है आप लोग को? कैन समवन सी द प्रोडक्ट्स? इलेक्ट्रिक मसाज पिलो, आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है? अच्छा, अभी मैं आप लोग को थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी और चीजें बताता हूँ, थोड़ी सी और चीजें ये है कि दुबई के अंदर मोस्टली मोस्टली आपकी जो जो क्या कहते हैं जो ट्रांजेक्शंस हैं वो सीओडी है, ठीक है। मोस्टली सीओडी है, मोस्टली सीओडी सीओडी पे चलता है, ठीक है। बता दें इनको कि बस 100% सीओडी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीओडी मार्केट है, ठीक है। ये सीओडी मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे जो एवरेज रिटर्न रेट है, एवरेज रिटर्न रेट वो 20% 20-25% के अंदर अंदर रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर सर्विस। यहाँ पे आपको अपनी कस्टमर सर्विस बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। अच्छा, आप कस्टमर सर्विस कैसे स्ट्रांग रखते हो? आप एक व्हाट्सएप बिजनेस बनाते हो, वाइक का नंबर लेते हो, इंटरनेशनल नंबर लेते हो, इंटरनेशनल नंबर को आप एक्टिवेट करते हो और आप लोग कस्टमर सर्विस अपनी बहुत स्ट्रांग रखते हो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गेम है ना, यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, दुबई में ना, दुबई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुबई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दुबई ने सर्विस का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। सर्विस का स्टैंडर्ड इतना ऊपर है, इतना ऊपर है दुबई के अंदर कि जब अगर आप उनको अच्छी सर्विस नहीं देते ना, जैसे पाकिस्तानी हो तो क्या है, अगर आप पाकिस्तान मार्केट में अच्छी सर्विस नहीं दो ना, तो पाकिस्तानियों को आदत है अच्छी सर्विस ना मिलने की। ना उनको गवर्नमेंट से अच्छी सर्विस मिलती है, ना वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छी सर्विस मिलती है, ना दराज पे जाते हैं तो अच्छी सर्विस मिलती है। यहाँ पे सर्विस का जो जो सर्विस है ना, वो सर्विस बहुत अच्छी मिलती है लोगों को। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जहां उनको लगता है ना कि कोई बंदा सर्विस अच्छी नहीं दे रहा, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। अब यकीन जाने, मेरे साथ एक किस्सा इस तरह से हुआ कि एक कस्टमर को राइडर ने से सही से बात नहीं की, तो कस्टमर ने मुझे कहा कि मैं इस राइडर से प्रोडक्ट ही नहीं लूंगा, मुझे राइडर चेंज करके भेजो। तो मुझे उस रूट पे दूसरा राइडर भिजवाना पड़ा, ठीक है। उस रूट पे दूसरा राइडर भिजवाना पड़ा कि कस्टमर ने कहा कि मैं, ईगो हर्ट हो जाती है ना, इनका ईगो बहुत बड़ा होता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, हमें नहीं मिलती कहीं भी अच्छी सर्विस। हम नादरा जाते हैं, वहां भी अच्छी सर्विस नहीं मिलती। ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कहीं भी चले जाओ अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। यहाँ आप कहीं भी जाओगे ना, यहाँ आपको अच्छी सर्विस मिलती है। जो अच्छी सर्विस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आपका कस्टमर सर्विस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बस नहीं। और यहाँ पे लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा है कि आपकी सर्विस अच्छी लगे उनको,
तो वो फॉरन आपसे 2 यूनिट्स ले लेंगे, 3 यूनिट्स ले लेंगे, अपने सारे भाई बहनों के लिए भी ले लेंगे यार। नहीं प्रोडक्ट तो अच्छी है कि नहीं है, ये एक बात की बात है, ठीक है। आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका जो रिटर्न रेशियो है, ठीक है, रिटर्न रेशियो कैंसिलेशन और रिटर्न मिला के बता रहा हूँ 25% है, अगर आपके कस्टमर सर्विस स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आपकी कस्टमर सर्विस स्ट्रांग है तो रिटर्न रेशियो 20-25% के दरमियान है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, पेमेंट मेथड क्लियर है, रिटर्न रेशियो बता दिया, ठीक है। अच्छा बिलाल अकबर आप चले जाए ना, क्यों मुझे कह रहे हैं रैप अप करने का। अच्छा अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको, आप लोग अगर एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो आप लोग ये काम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए। सोर्सिंग आप लोग को आती है, सोर्सिंग कैसे आती है, आप अलीबाबा पे खोलेंगे, अलीबाबा से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मार रही है, ठीक है, आप लोगों को 2 चीजें मार रही है, ठीक है। पहली चीज जो आप लोग को मारेगी वो है वेयर हाउसिंग, क्योंकि आप जहां भी वेयर हाउसिंग के लिए जाओगे वहां पे आप लोगों को लाइसेंस शो करना पड़ेगा। और दूसरा कुरियर अकाउंट, कुरियर अकाउंट आप खुलवाने जाओगे आपको वो बैंक अकाउंट मांगेंगे दुबई का, और वो आपसे मांगेंगे लाइसेंस। इन दोनों मसलों का हल हमने दे दिया, ठीक है। हमारा जितना भी स्टूडेंट बेस होगा या हमारे आसपास जितने लोग होंगे, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं वेयर हाउसिंग अकाउंट्स बना के देंगे, हम उन्हें कस्टमर, उन्हें कुरियर के अकाउंट बना के देंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हम करके देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से, अच्छा हम खाली करके नहीं दे रहे, बहुत सारी कंपनीज हैं जो करके दे रही हैं, ठीक है। अच्छा अब सोर्सिंग इशू इसलिए नहीं है, पाकिस्तान से भी कर सकते हो, चाइना से भी कर सकते हो, वियतनाम से भी कर सकते हो, फिलीपीन से भी कर सकते हो, जैसे सोर्सिंग करना चाहो कर सकते हो। सोर्सिंग के लिए सिंपल है, आप सुकून से जाओ अलीबाबा पे, प्रोडक्ट पसंद करिए, आपने प्रोडक्ट पसंद करके आपने उसको ऑर्डर लगा दिया, वो माल यूएई आ जाएगा, सही है। अच्छा अब एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे उसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग होती है जैसे प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग कराची पाकिस्तान के अंदर करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका वही है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यासिर भाई भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, प्रोडक्ट टेस्टिंग। आप प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे, प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आने के बाद आप लोग उसका ऑर्डर प्लेस करोगे। जो यासिर भाई भी एक ही चीज सिखाते हैं, भाई पहले टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद आप लोग सुकून से उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को ऑर्डर कर दो। अच्छा हर्बल प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो मुंह के अंदर जाने वाली हो, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपके स्किन से टच होने वाली हो, वो आप दुबई गल्फ के अंदर नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इनफैक्ट यहाँ सिस्टम्स इतने स्ट्रांग है, सिस्टम्स इतने स्ट्रांग है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते बगैर लाइसेंस के। आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ट्रेनिंग देने से पहले भी गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ बगैर लाइसेंस के वॉशरूम भी जा रहे हो ना, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लीव यू, ठीक है। आपके पास लाइसेंसेस, इनके हर चीज में इनको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। और आपने जिस चीज का लाइसेंस लिया है वही चीज आपने करनी है। अगर आपने लाइसेंस लिया ई कॉमर्स का और आप कुरियर कंपनी खोल रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको सारी चीजें वही करनी है। अच्छा और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सीन, आप लोग के पाकिस्तान के अंदर कस्टमर के साथ कोई मसला हो जाता है, आप कस्टमर को ब्लॉक कर देते हो, कस्टमर को जवाब नहीं देते हो, यहाँ पे कस्टमर के पास एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, एक एप्लीकेशन होती है कस्टमर के पास। कस्टमर वहां पे एप्लीकेशन डालेगा कि भाई मेरे साथ, मैंने ये चीज ऑर्डर की है, ठीक है, और मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आई है, और जो सेलर है मुझे जवाब नहीं दे रहा। चंद घंटों के अंदर आप उठ चुके होगे कि मुराद आपको नोटिस या लेटर या फोन आ चुका होगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, पॉइंट समझ आ रही है। तो यहाँ किसी भी किस्म की मस्ती, अच्छा हम लोग इस पूरे सिस्टम को मैं 3 महीने से चला रहा हूँ, मैं पब्लिक नहीं कर रहा इसलिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारे लाइसेंसेस हैं, सारे लाइसेंस हमारे हैं, ये जो पूरी इकोसिस्टम की इन्वेस्टमेंट है वो सब हमारी है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमारे गले आएगा, ठीक है। अगर किसी भी किस्म की आप लोगों ने मस्ती की, आप लोगों ने किसी भी किस्म का कोई कोई इंजॉयमेंट करने की कोशिश की, तो समझो हमारे गले पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको पब्लिक नहीं करते, ठीक है, हमने इस सिस्टम को बहुत ही क्लोज रखा हुआ है, बहुत कम लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। क्योंकि मैं भी सेल कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन्वेंट्री पड़ी हुई है पूरी, मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। अच्छा इधर
एक फ्रॉड, मैं आपको कुछ स्कैम्स और कुछ फ्रॉड्स के बारे में बता दूं। हम लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी देने के बाद, हम यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटी भी देते हैं। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100+ SKUs इन ऑन हैंड है और 100+ SKUs अभी चाइना से आ रहे हैं, ठीक है। हम ड्रॉप शिपिंग फैसिलिटीज भी देते हैं लोगों को कि भाई लोग हमारे इन्वेंट्री बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये फैसिलिटी भी मिलेगी। बट मैं ये बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि ये फैसिलिटी खाली मैं नहीं देता, बहुत सारे लोग देते हैं, बट ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पे होता ये है कि लोग इन फैसिलिटीज के अंदर होता ये कि जो आपके पैसे हैं, जो आपकी अमाउंट है, जो पैसा है, वो जिसका लाइसेंस है उसके पास आता है। यानी कि अगर आप मेरे वेयरहाउस को इस्तेमाल करें, मेरे कुरियर को इस्तेमाल करें, मेरी ड्रॉप शिपिंग को इस्तेमाल करें, आपका जो पैसा है वो मेरे पास आएगा। यहाँ ज्यादातर लोग पैसे लेके गायब हो जाते हैं। इस मार्केट में ऐसे बेतहाशा किस्से मौजूद है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो यूएई से एग्जिट ले लेते हैं। तो भाई आप लोग किसी के साथ भी काम करें, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो आपको शिपिंग की सर्विस देंगे, आपको कुरियर की सर्विस देंगे, सारी चीजें देंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने बहुत देखभाल के काम करना है। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द यूएई, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, अब मैं आपको वापस से इन शॉर्ट पूरा रोड मैप दे रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस इन GCC रीजन, ठीक है। इन GCC रीजन आप किस तरह से कर सकते हो, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अच्छा, अज्यूमिंग यू आर नॉट अ newbie, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ई कॉमर्स की समझ बूझ है, आप वैसे ही उठ के नहीं आ गए, क्योंकि आपको मेरी बातें कभी भी समझ नहीं आएंगे अगर आप कोई newbie है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल कोई newbie है, कोई आप बिल्कुल जिसको ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता, आपको मेरी बातें कभी समझ नहीं आएंगी। आप लोग मेरी बातों को इग्नोर करें और गड़ जाए, ठीक है। बट जो बंदा सेलर है, जो ई कॉमर्स को समझता है, उसी को मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप दुबई में काम करना चाहते हो, गल्फ में काम करना चाहते हो, क्योंकि हमारा जो बेस है, हमारा बेस दुबई है। हम दुबई से सऊदीया और दुबई पूरा कवर करते हैं। यहाँ से डिलीवरी भी हम पूरी की पूरी हम जो है दुबई के थ्रू करते हैं, ठीक है। दुबई के थ्रू सऊदीया पूरा डिलीवर करते हैं, क्योंकि सऊदीया के अंदर आप खुद से अपनी कंपनी नहीं बना सकते, वहां पे कफील का होना लाजमी है, ठीक है। कफील का सीन ये होता है कि जो कफील है, आप लोगों को भी पता होगा, सऊदीया के अंदर जो कफील होते हैं वो कफील कभी भी लात मार सकते हैं। दुबई में सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो बेनिफिट मिलता है, ये मिलता है कंपनी की 100% ओनरशिप मेरे पास होती है, तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। पता चला सऊदीया के अंदर मैंने किसी कफील के साथ काम किया, कफील कितना भी अच्छा हो, 5 साल बाद उसने रात को बैंक अकाउंट बंद कर दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर हुई बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को, अभी मैं आपको पूरे रोड मैप दे रहा हूं हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। आप लोग सिंपली एक वेबसाइट बनाओ। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है? प्रोडक्ट हंटिंग होती है आपकी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी से आप प्रोडक्ट हंट करो, ठीक है। आप प्रोडक्ट उठाओ, ठीक है, और प्रोडक्ट टेस्ट करो। प्रोडक्ट टेस्ट कैसे करोगे? आप क्रिएटिव्स डाउनलोड करोगे, क्रिएटिव्स डाउनलोड करने के बाद आप उसकी एड्स चलाओगे टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। अच्छा, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 दिन तक एड चलाओ, ठीक है, आप 3 दिन तक एड चलाओ। 3 दिन में एड चला के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट बिकने के लायक है या नहीं है। आपको लगता है यार 3 दिन में मेरे पास 40 ऑर्डर आ गए, ठीक है, 3 दिन में 40 ऑर्डर आ चुके हैं मेरे पास, 30 ऑर्डर आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट के 200 यूनिट 300 यूनिट चाइना से ऑर्डर कर दो, ठीक है। आपकी सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिल गई, आप चाइना से ऑर्डर कर दो। चाइना से उस प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट होगी 20 दिरहम्स, ठीक है। आप 20 दिरहम का प्रोडक्ट चाइना से मंगाओगे और वो अप्रोक्सीमेटली 100 दिरहम 120 दिरहम का बिक रहा होगा, ठीक है। 20 दिरहम की आपकी लैंडिंग कॉस्ट हो गई, 15 दिरहम डिलीवरी कॉस्ट होती है, 35 दिरहम्स हो गए, 20 दिरहम्स जो है उसके ऊपर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आती है, 20-25 दिरहम्स। यहाँ पे जो एवरेज चल रहा है वो ROAS 6 है, ठीक है, ROAS 6 चलता है। यानी कि 100 दिरहम की एड चला दें तो 600 दिरहम की सेल आती है, और ROAS 6 इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ROAS। ROAS 6 से नीचे जाएंगे तो कहानी खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे दुबई में करते हैं, इसी तरह बाकी जगहों पे भी काम करते हैं। समझ आ रही है बात?
वो आप इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है एड्स लाइब्रेरी के थ्रू, आपने क्रिएटिव डाउनलोड की एड रन कर दी है, आपकी तीन में से एक हॉट प्रोडक्ट निकलेगी। आप मेरी बात याद रखिएगा, तीन प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट टेस्टिंग पे 300 दिरहम लगते हैं, एक प्रोडक्ट टेस्टिंग पे 300 दिरहम लगते हैं। आपको एटलीस्ट 300 प्रोडक्ट्स को टेस्ट, तीन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना है, तीन में से आपकी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। हो सकता है पहली प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है दूसरी हो सकता है तीसरी हो। आपने अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करना है, ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स आ गए, आप आराम से एंजॉय करें जब तक आपका चाइना से प्रोडक्ट आएगा। चाइना से जब प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, तो आप वेयर हाउस में माल रखा है, उस वेयर हाउस का एक्सेस होगा आपके पास, आप उसे देख सकेंगे कि आपके वेयर हाउस में एज ऑफ नाउ कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, कितने पीसेस पड़े हुए हैं, क्या पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, आप कुरियर अकाउंट आपका बन जाएगा, कुरियर अकाउंट बन जाएगा तो कुरियर अकाउंट के अंदर आपने बुकिंग की, जैसे यहाँ पे बुकिंग करते हैं ब्लू एक्स पे, टीसीएस पे, इस तरह दुबई के कुरियर अकाउंट पे आप बुकिंग डालें अपनी, आपका ऑर्डर निकल जाएगा। व्हाट्सएप होगा आपके पास, व्हाट्सएप बिजनेस पूरा सेम मॉडल है, व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास होगा जिसपे कस्टमर्स आपको मैसेज करेंगे। लैंग्वेज बैरियर, लोगों को लगता है कि यार लैंग्वेज बैरियर जो है ना कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, भाई यहाँ अरबियों को भी उर्दू आ गई है अब, ठीक है, अरबियों को भी उर्दू आ गई है, लैंग्वेज बैरियर कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट अब तो आप लोगों को ऐप स्टोर से ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो अरबी वॉइस नोट्स को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कर देंगी, ठीक है, तो ये तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को फुल टेक इक्विप्ड आप लोगों को कुरियर अकाउंट्स भी मिलेंगे, आप लोगों को वेयर हाउसिंग के का पोर्टल भी मिलेगा, सेलर पोर्टल भी मिलेगा। अच्छा, आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के बाद अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देने हैं, आपने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देने हैं, फिर जब आपका माल आपके पास आ जाए तो आपने फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, हुज़ैफ़ा खान, 300 दिरहम आपके अप्रोक्सीमेटली तीन दिन में खर्च होंगे। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रहा है? क्लियरिटी हो रही है? दिमाग चल रहा है आप लोग का? जी उस्मान, केएसए में भी दुबई से डिलीवर होगा, दुबई टू सऊदीया डिलीवरी 30-35 दिरहम के आसपास है। यासिर भाई थोड़ा सा आप टेक ओवर करो ना, क्यों थक गए? जी तो दुबई का मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? कमेंट मारो। आपको आ रही है फैजान भाई मेरी आवाज? आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक है? चले तो भाई, दुबई का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे काम इंतहाई आसान है। अगर अच्छा, एक चीज जो अभी तक फैजान भाई शायद नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि भाई आपका अगर पाकिस्तान में कोई हाथ साफ नहीं है, कोई काम काज आपने नहीं किया हुआ, ई कॉमर्स का हुआ आपको नहीं पता, तो आप दुबई में ट्राई ना करें। ठीक है, क्योंकि देखे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आप के बारे मतलब आप जब यहाँ पे कुछ काम करेंगे, कुछ 19-20 आपको आएगी, तो उसके बाद आप दुबई में काम कर सकेंगे। ठीक है, प्राइसिंग आपको बता दी है फैजान भाई ने कि इधर तो यकीन करें कि जो जब मैं दुबई में था तो एक प्रोडक्ट मुझे पड़ रही थी 10 दिरहम में और मैं उसको 85 दिरहम में सेल कर रहा था। तो यहाँ पे चीज़ें बड़े आराम से बिकती है, बहुत ज़बरदस्त करके बिकती है, आपसे कोई पूछता नहीं है कि ये कितने की। अच्छा, बिकती क्यों है उसका फैजान भाई ने आपको बता दिया। देखे दुबई में बैठा हुआ हर बंदा, जिस तरह आप देखते हैं ना कि जब देहात में बंदा होता है तो
वो बड़ा ही आराम से, सुकून से, आराम आराम से काम कर रहा होता है। जैसे ही आप सिटी की तरफ आते हैं तो दौड़ स्टार्ट हो जाती है। इस तरह मजीद जिस पीक पे जब जाते हैं कराची, तो कराची में हर कोई दौड़ रहा होता है और एक दूसरे से आगे जा रहा होता है। कराची सबसे बिजी सिटी है और वहां पे सबसे बड़ी दौड़ लगती है। अब आप अंदाजा लगाए, जो कराची वाले हैं वो बेहतर समझ पाएंगे कि दुबई में कराची से भी 10 गुना स्पीड लगी हुई है लोगों को। ऐसी स्पीड है कि आप उस स्पीड को आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर बंदे के पास टाइम शॉर्ट है, हर बंदे को जल्दी अपना काम मुकाना है। अभी आप देखे कि ई कॉमर्स दुबई में, अभी दुबई में भी देखे, हमारा मोस्टली पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली ये लोग हैं, लेकिन ई कॉमर्स वहां पे स्ट्रांग कैसे है कि वहां पे लोगों को आदत पड़ गई है। अब ऐसे है कि ऊपर फ्लैट में बैठे हुए नीचे कॉल की, कहते हैं यार ये चीज दे आओ ना, नीचे कोई ग्रोसरी स्टोर को कॉल कर दिए। तो वहां पे एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि सुस्ती चढ़ जाती है और लोगों के पास टाइम नहीं होता। बड़ी मुश्किल से लोग अपने जॉब के 8-9 घंटे लगाते हैं और फिर 2-3 घंटे ट्रैफिक में लगाते हैं, और बड़े मुश्किल से जाके उनको 9-10 घंटे नींद के लिए मिलते हैं। तो इंतहाई खपत होती है, इंतहाई सख्त गर्मी होती है, हर कोई गर्मी में डूब। देखिए, अपने फ्लैट से नीचे आप गर्मी की वजह से नहीं निकल सकते, आप डिलीवरी मंगवाते हैं, इतनी कोई वहां पे मसला है। ठीक है, इसके अलावा टाइम तो मैंने बता दिया, टाइम तो किसी के पास होता ही नहीं है ना, टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बजाते खुद अगर देखे, दुबई में कोई जॉब कर रहे उसको पता है, वो बेहतर मेरी बात को समझ पाएगा कि दुबई में रहते हुए उसको पता है कि मैं शॉपिफाई स्टार्ट करूंगा, मुझे जॉब से अच्छी अर्निंग मिलेगी, मैं नून स्टार्ट करूंगा, जॉब से अच्छी अर्निंग मिलेगी। लेकिन इस प्रोसेस, इस ब्रिज से उस ब्रिज में जाने के लिए, उस जो प्रोसेस में जो महीना 2 महीना लगता है ना, वो टाइम किसी के पास नहीं होता। क्योंकि जो कमाते हैं अपना रिहाइश, खाना पीना करते हैं, बाकी घर बेचते हैं। तो निजाम अगर रुकता है 2 महीने के लिए, तो 2 महीने उस बेचारे का गुजारा ही नहीं होता, तो काम उससे नहीं हो पाता, मतलब वो शिफ्ट उससे नहीं हो पाता कि मैं जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, उसके पास कुछ टाइम तो जो है वो गाइडलाइन भी होती है, लेकिन वो नहीं शिफ्ट हो पाता। तो मैं बता रहा था कि दुबई में किसी के पास टाइम नहीं होता भाई। अब दूसरी बात फिजान भाई ने की है कि भाई अगर किसी के पास टाइम है भी, तो वो जब इमेजिन करता है कि ये प्रोडक्ट मैं लेने दुबई जाऊंगा, ड्रैगन मार्ट जाऊंगा, चाइना माल जाऊंगा, तो मेरा लगेगा जी 10 दिरहम का फ्यूल लगेगा। फ्यूल के बाद जब वहां पे जाऊंगा तो 4-5 दिरहम पर आवर जो है वो गाड़ी की पार्किंग होगी। तो वो जब मिलाता है, हिसाब किताब करता है, तो वो कहते हैं इससे बेहतर है मैं 10-12 रुपए, 15 रुपए डिलीवरी चार्जेस दे के ये चीज मंगवा लूं। तो सिंपल स्ट्रेट अवे ई कॉमर्स के लिए पूरा माहौल सजा हुआ है। और जिस तरह पाकिस्तान में अमेजोन की बूम है ना, लोग अमेजोन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, लोगों के पास टाइम है, कोर्सेज पे कोर्सेज कर रहे, इस तरह दुबई में न किसी के पास टाइम है, न किसी के पास इतनी अवेयरनेस है। वहां पे ई कॉमर्स गिने चुने लोग कर रहे हैं, मतलब जो समझते हैं वहां पे। तो उस लिहाज से भी जो है वो मार्केट बिल्कुल क्लियर है, आप ई कॉमर्स आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई के प्लस पॉइंट्स ये है, दुबई से मेरी मुराद पूरी यूएई है, कि वहाँ पे कोरियर का निज़ाम बड़ा स्ट्रांग है, लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे आपकी डिलीवरी बड़ी जल्दी हो जाती है। अगर मेन दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान कहीं पे भी मेन पे हो, तो रात को दोगे तो सुबह डिलीवरी पहुंच जाएगी। लेकिन ये है कि चलो अगर साइड पे हो तो एक दिन छोड़ के आगे आपकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, जो दूसरा प्लस पॉइंट है डिलीवरी से रिलेटेड, वो ये है कि वहाँ का राइडर बेईमान नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में बेईमानी करते हैं ना, वहाँ का राइडर बेईमान नहीं है, वहाँ का राइडर चोर नहीं है, वहाँ का राइडर गलत बयानी नहीं करता। वहाँ जो भी मसला होता है आपके पार्सल पे, आला मतलब के कह सकते हैं कि 100% मेहनत होती है कि आपकी चीज़ डिलीवर हो जाए। अगर आपकी चीज़ उसके बाद भी डिलीवर नहीं होती, तो जाहिर है वो तो एक जनरल सी चीज है, वो तो हर जगह पे होती है। और बाकी डिलीवरी सक्सेस रेशो आपको फिजान भाई ने बता दिया कि 20-25% आप समझ ले कि आपके ऑर्डर्स इधर उधर कुछ कॉल कंफर्मेशन में जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, और कुछ डिलीवरी जब आप बेचते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो वो इशू भी नहीं होता। मेन जो वहाँ पे ये जो 25% भी अगर आप कह ले कि ये वही लोग हैं ना जो
जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई है जो वहां पे जो पाकिस्तान से गए हुए हैं और उनको वही पाकिस्तान वाली आदत लगी हुई है, पार्सल मंगवाया फिर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, पार्सल मंगवाया फिर कहते हैं मेरा मूड चेंज हो गया और ये महंगा है। तो यही पाकिस्तानी इंडियन आवाम है जो के वही चीज़ मंगवाती है और वो चीज़ आपसे फिर वो डिलीवरी फेल कर देती है या कहती है कि मेरे पास वो नहीं है, पैसे नहीं है या मुझे नहीं चाहिए। तो यही गिनी चुनी आवाम है पाकिस्तानी। आप अगर ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि जो थोड़ी सी इलीट प्रोडक्ट हो, प्रीमियम प्रोडक्ट हो, अच्छे लोगों के को सेल करने वाली हो, तो आपको उन छोटे मतलब जो हमारे मिडिल क्लास वहाँ पे है और पुअर क्लास है वहाँ, उन लोगों से आपको वास्ता भी नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट आपकी अप्रोच प्रीमियम कस्टमर तक चली जाती है। आप जो वहाँ पे अच्छे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ के अपने नेटिव लोग हैं, वहाँ तक आपकी अप्रोच चली जाती है। आप उनको मतलब वो चीज़ पहुँचा देते हो। ठीक है, मैं आपके साथ थोड़े से स्टेट्स शेयर कर दूँ वेबसाइट के। अच्छा, यासिर भाई ने अपना जो इनका हैंडमेड माफिया है ना, इन्होंने दुबई में भी शुरू किया था। ठीक है, और वो भी मैं आपको बता दिखाते हैं अभी यासिर भाई कि उनका कैसा रहा स्क्रीन एक्सपीरियंस। शेयर कर, अच्छा, जो लोग बार बार इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 से 10 हजार दिरहम्स होने चाहिए, 5 से 10 हजार दिरहम्स होने चाहिए जेब में टू स्टार्ट एंड सस्टेन। अली खान, ऑर्डर कैंसिल करने से कोई कंप्लेन नहीं आती, कंप्लेन तब आती है जब वो पैसे ले लो आप किसी से। ठीक है, बाकी ऑर्डर कैंसिल की वो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दुबई यूएई में प्लस पॉइंट ये है कि कोरियर भी आपसे चार्ज नहीं करता जब तक वो ऑर्डर डिलीवर ना हो। फिदान भाई ऐसे ही है ना आपके कोरियर का? वो थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है, वो ऑर्डर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वो आपकी इनिशियल नहीं आंखें मिलता। नहीं भेज सकते, वो मेरे ख्याल में कोई 60% 65% है। अगर वहां से आपका डिलीवरी फेल्ड रेशो जो है वो ज्यादा हो जाता है तो फिर आपसे कोरियर चार्ज करेगा। वैसे जनरली अगर आपके 10-20% शिपमेंट्स ऐसी है जो वापस आ रही है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपसे कोरियर चार्ज नहीं करेगा। ये अभी मेरी हमारे स्क्रीन 50% ऐड कर दिए कुरियर ने, अभी हमें 50% ऑफ दे दिया है। अभी अगले महीने फिर कह रहे हैं कि जो है कंप्लीट ऑफ दे देगा, 100% ऑफ दे देगा। अच्छा ठीक हो गया। अहमद हसन, शायद आपका कोई अपना इशू हो, आवाज का आवाज क्लियर है। ठीक है, शिपिंग चार्जेस का आपको बताता है। उजैर खान खटक बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान जैसा ही है और कोई मसला नहीं होगा। जिसके पास 10 हजार दिरहम ना हो वो क्या करे, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहे, कोशिश करे पाकिस्तान के अंदर ही काम करे। 5 से 10 हजार दिरहम की इन्वेस्टमेंट आप लें तो दुबई जाएं, दुबई के अंदर स्टार्ट करें। अच्छा, एमी जैब कह रही है प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल भी इसी तरीके से होता है जैसे व्हाइट लेबल होता है, इसमें कोई फर्क नहीं, बस प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, कंटेंट चेंज हो जाता है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम होती है। बैंक अकाउंट आप अपना नहीं खोल सकते कायम रजा जैदी, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है आपका लाइसेंस और वीजा पे खुलता है, अगर आपके पास लाइसेंस और वीजा नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो स्टार्टअप है ना, ये आपके लिए एक ब्रिज है दुबई शिफ्ट होने के लिए। आप जैसे ही यहाँ से कुछ कमाते हैं, आपको लगता है कि मैं दुबई में सरवाइव कर सकता हूँ, मेरे पास महाना 2,000-3,000 दिरहम बच रहे, तो आप अपना वीजा करवा के जाके वहाँ पे प्रॉपर A to Z अपना काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक स्टार्टिंग फेज है जिसमें आप जिस तरह ड्रॉप शिपिंग नहीं करवाते तो ड्रॉप शिपिंग में पहले दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, इस तरह सेम यही काम आप करते हैं। तो वहां पे जाके जब आपको पता चलता है कि अब मैं इस काबिल हो गया कि दुबई जाके मैं अपना काम चला सकता हूँ, आप यहाँ से वीजा पकड़े, टिकट पकड़े, जाए वहां पे इकाब वो ले ले, एमिरेट्स आईडी ले ले और आप अपना अकाउंट बना के खुद काम स्टार्ट करें। वहां की मार्केट तक आप फिजिकल जब होंगे तो जाहिर है फिजिकल जब आप होंगे तो आपका और अच्छा काम चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने यहाँ से बैठ के कमाया है यूएई के अंदर, और फिर इसी के प्रॉफिट से उन्होंने दुबई में कंपनी वगैरह रजिस्टर करी है। क्योंकि इनिशियली आपको कंपनी रजिस्टर करने का इसलिए नहीं कह रहे कि आप लोग के पास बजट कम है, क्योंकि अगर आप कंपनी रजिस्टर करेंगे तो आपको ज़्यादातर पैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन में ही निकल जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे आप कंपनी रजिस्टर ना करें, लाइसेंस ना लें, वीज़ा ना लें, आप यहाँ 3 महीने बैठ के पैसे कमाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ्रॉम सेकंड मंथ आपकी जो अर्निंग है वो अप्रोक्सीमेटली 2,000 दिरहम। बट ये फुल टाइम मेहनत वाला काम है, ये ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे कि ऐड चला के छोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा। नहीं भाई, ये फुल टाइम मेहनत वाला काम है। 2,000 दिरहम पर मंथ इजीली बन सकते हैं, बिलीव मी, इजीली बन सकते हैं। अभी मैंने कोई हिसाब लगाया है, 15% रेवेन्यू का 15% आपका हंसते हंसते प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, हंसते हंसते 15% प्रॉफिट है। प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो मुझसे बार बार मेरे वेयरहाउसिंग के चार्जेस वगैरह और सारी चीजें पूछ रहे हैं, वो प्रपोजल में कम्युनिटी में ही ऐड कर दूंगा। यहाँ से तो मैं नहीं बता सकता चीजें, क्योंकि वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। और यासिर भाई, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? जी मैंने कर दी है, बस ये ऐड कर लें। हाँ अच्छा, ऐड करना है, सॉरी यासिर भाई, जूम करो थोड़ा सा। जूम कैसे करूं, विंडो जूम करूं? हाँ, विंडो जूम करें। अच्छा, तो देखिए, अब ये एक यूएई का स्टोर है, मार्च अप्रैल मई 2 महीनों में जिसकी सेल्स है, 2 महीने भी पूरे नहीं है, तकरीबन 1.5 लाख दिरहम। अब मैंने पिछले दिनों रील में आपको बताया था कि 1.5 लाख दिरहम एक स्टोर की 2 महीने की सेल है, और ये इसका प्रॉफिट मार्जिन अगर मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं तो पाकिस्तान से डबल के करीब है, डबल के करीब प्रॉफिट मार्जिन है पाकिस्तान से। और डिलीवरी सक्सेस रेशो की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान से अच्छी है, कैंसलेशन पाकिस्तान से जो है वो बहुत कम है, इस तरह रिटर्न भी पाकिस्तान से बहुत कम है। देखिए, दुबई और ये जो पूरा यूएई है ना, सिर्फ अगर हम अबू धाबी को साइड पे रखें ना, ये बाकी स्टेट्स जितने हैं ये बिल्कुल आसपास है, ये मतलब समझ ले के एक दिन में हर जगह डिलीवरी हो सकती है, सिर्फ अबू धाबी आपका दूर है। तो यहाँ पे आप जब खुद आते हैं तो फिर आप 1,000 जुगाड़ कर सकते हैं, आप इवन के अपनी बाइक लेके प्रॉपर जो है वो अपना काम खुद भी कर सकते हैं। थोड़ी सी चोरी चुपके आप करेंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी लोग वहां पे जुगाड़ निकाल लेते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी ये 1.5 लाख दिरहम से क्या थी, तो 1.5 लाख दिरहम में जो अप्रोक्सीमेटली हमें पड़ रहा था, 9 से 10 दिरहम में हमें एक ऑर्डर पड़ रहा था, फिर उसके साथ अगर कैंसलेशन वगैरह और रिटर्न ऐड कर दे तो 12, 13 और मैक्सिमम 15 दिरहम में एक ऑर्डर हमें पड़ रहा था। तो 15 दिरहम में अगर आप एक ऑर्डर लेते हैं तो इसका आरओएस तकरीबन बन जाता है 8 के करीब बन जाता है। ठीक है, तो इस कॉस्ट पे हम इसको सेल कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेल हो रही थी। दुबई का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप आसपास जितने भी है ना, एशियंस है और ये जो चाइना के जो इलाके हैं, आप कहीं से भी शिपमेंट बड़ी आराम से मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में तो देखिए, आप एक छोटी सी मशीन भी मंगवाते हैं तो आप कस्टम वाले उसको पकड़ लेते हैं और आपको तंग करते हैं, आपसे टैक्सेस लेते हैं। दुबई का इतना साफ सुथरा निजाम है कि आप पाकिस्तान से भी कोई चीज भेजेंगे ना, यहीं से सारा कोरियर करवा के जब पाकिस्तान दुबई वो पहुंचेगा तो वो आपको कॉल करेगा कि भाईजान आपकी शिपमेंट आई है और इस पे 30 दिरहम का टैक्स है, वो 30 दिरहम तैयार रखे, हम शिपमेंट लेके आ रहे हैं। कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं, कोई मसले मसाइल नहीं, सारी चीजें आपको कोरियर करके देती है। और आप थोड़ा सा जो उनका होता है, मैं जब स्टॉक बेचता हूँ, बहुत ज्यादा स्टॉक होता है, उस पे 40-50 दिरहम का टैक्स होता है, मतलब वो ना होने के बराबर होता है। तो बड़ी स्मूथ चीजें चलती है, आपको कोई डिफिकल्टी
ब्लैकमेल करने वाला नहीं है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा अपने आप से अगर ऑनेस्टली आप जाके काम करें तो निज़ाम आपका बिल्कुल बेहतर चलता है। और अगर वहाँ पे भी जाके पाकिस्तान वाले कारनामे आप करें कि बंदे ने जो है वो सैलेट कटर मंगवाया हुआ है और आप उसको जो है वो टूटा हुआ गिलास भेज दें, तो ये निज़ाम वहाँ पे नहीं चलेगा। ये निज़ाम अगर आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे तो फिर समझ ले कि आप यूएई पे बैन है। ठीक है, तो राइट ना हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे, लेकिन हम भी ऐसे नहीं उठाएंगे कि हर किसी को उठा करके ला के सेलर बना दिया कि आप लोग सेल करें। प्रॉपर जो है उसकी स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर जो हमारे बैरियर्स है उसको आप क्रॉस करेंगे, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगी, आपको हमारे पास रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद हम आपको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देंगे, 3PL की देंगे, और साथ में आपको कोरियर अकाउंट्स देंगे। आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से काम करें, काम की जितनी भी तरतीब है इंशाल्लाह वो हम आपको सेट करके देंगे, और उसके बाद जो आपकी काम की प्रोसेसिंग है वो यहाँ से आप रिमोटली मैनेज करें। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा, आप अगर 2 महीने अच्छा सा काम करेंगे, आपका हाथ यूएई में बैठ गया, 2 महीने बाद आप आराम से वीजा पकड़े जाए, यूएई में काम स्टार्ट करें। स्टार्ट में हम आपको इसलिए नहीं रिकमेंड करते कि स्टार्ट में, देखिए मैं अगर बजाते खुद अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तकरीबन यूएई में जब मैं गया हूँ तो मैं तो खैर फैमिली के साथ गया था ना, लेकिन मैं अगर अपनी इंडिविजुअल कास्ट बताऊं तो मेरी तकरीबन थी, मुझे 22 to 25,000 में पड़ा था लाइसेंस, उसके बाद जो वीज़ा कोटा और वीज़ा, ये 3 चीज़ें मुझे पड़ी थी 22 to 25,000 दिरहम में। तो वही 22 to 25,000 दिरहम वाली जो आप लोगों को जो एक लगा हुआ है, मतलब ब्रेक लगा हुआ है, हर कोई जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम इंशाल्लाह जीरो पे लेके आ रहे हैं आपके लिए। और आपसे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आपसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का जो है वो आप खुद करेंगे कि जिस प्रोडक्ट पे आपको लगे कि ये प्रोडक्ट चलने वाली है, तो आप सिर्फ उसके स्टॉक और उसके एड्स अपनी इन्वेस्टमेंट में, बाकी सारी लीगलिटी जितनी भी है वो लीगल प्रोसेसिंग इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे, आपको कोई मसले मसाइल की सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कह रहा है 20-30 हज़ार में पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 20-30 हज़ार में काम ना शुरू करें, एटलीस्ट 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, शायद वो दिरहम की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो दिरहम नहीं, रुपीस की बात देखें, वैट तो आपको हर जगह पे करना है, जिस स्टेट का जितना वैट है वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, कस्टम चार्जेस आपको नहीं लगते, कस्टम चार्जेस आप यहाँ से केस से भेजोगे इन्वेंट्री तो आपको कस्टम चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, आप सुकून से जो है ना, क्या कहते हैं, आपको खाली वैट पे करना होगा। दुबई में भी वैट पे करना पड़ेगा, सऊदीया में भी वैट पे करना पड़ेगा, वैट से आप नहीं बच सकते। पाकिस्तान के अलावा हर जगह आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, ये अच्छा, भाई व्हाई सडन ड्रॉप सेल्स, तो ये सेल्स इसलिए ड्रॉप हुई क्योंकि मेरे ख्याल में ईद थी कि क्या था, जो मेरा वहां पे लड़का काम कर रहा था तो वो उम्रे पे भी चला गया, तो काम वहां पे फिलहाल हमने रोक दिया क्योंकि उसने इतने कमा लिए कि उसने अल्लाह का घर भी देख लिए माशाल्लाह से। तो अभी वो उम्रे से आ गया, 2 दिन हो गए, इंशाल्लाह अभी काम स्टार्ट करेगा। आप ड्रॉप शिपिंग करें, अपनी इन्वेंट्री मंगाएं, आपके पास 5,000 से 10,000 दिरहम होने चाहिए जेब में, इस बात को लिख लें अपने पास। ठीक है, 5,000 से 10,000 दिरहम जेब में नहीं है आपके, आप काम नहीं करें, काम में मत आइएगा, क्योंकि ये हाई रिटर्न मार्केट है, इधर पैसा ज्यादा लगता है और ज्यादा बनता है। आप यकीन जाने, दुबई आने के बाद मुझे 1 लाख 2 लाख दिरहम की वैल्यू समझ नहीं आ रही कि 1 लाख 2 लाख दिरहम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, ये पैसे पैसा मांगती है ये मार्केट। ठीक है, तो आप 5-10 हज़ार दिरहम लेके दुबई के अंदर कूदें, पाकिस्तान में बैठ के सारा काम होगा, पाकिस्तान से बैठ के आप कुरियर अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं, पाकिस्तान से बैठ के 3PL अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सिंपल तरीका है, पोर्टल मिलेगा, पोर्टल से प्रोडक्ट उठाएं, प्रोडक्ट उठा के लिस्ट करें, सेल्स करें, सेल्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर हमारे पोर्टल से फुलफिल हो जाया करेंगे। ठीक है, रेप्लिका प्रोडक्ट सेल हो सकती है, बट मैं कभी भी रेप्लिका नहीं बेचता, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता रेप्लिका बेचने के लिए। ठीक है, तो मैं रेप्लिका ना बेचता हूँ ना सिखाता हूँ। ठीक है, आपको स्टोर स्टार्ट करना है, वेबसाइट बनानी है सिंपल तरीके से, टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, फेसबुक का अकाउंट बनाना है, हमारे साथ 3PL का अकाउंट बनाना है, हमारे साथ कुरियर का अकाउंट बनाना है, हमारे साथ ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट बनाना है, काम शुरू करें, सुकून से काम करें। ठीक है,
टेस्ट करें, 100 यूनिट से टेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा काम है। 10K AED वरीद खटक 7,80,000 नहीं है, अब 8,30,000 रुपए होते हैं। 10,000 दिरहम इज इक्वल टू 8,30,000 रुपए। ठीक है, जब मैं यहाँ आया था तो 77,50,000 थे, ठीक है, 7,50,000 थे, अब वही पैसे 8,30,000 हो गए। स्टार्ट विद UAE, देन गो टू स्टार्ट विद UAE, देन गो टू KSA, देन स्टार्ट विद ऑल डिफरेंट स्टेट, जो बहरीन और उमान में सारी चीजें हैं। कन्फर्मेशन का पूछ रहे हैं क्या? कन्फर्मेशन ऑर्डर्स कन्फर्मेशन की क्या तरतीब है? जो वेयरहाउसिंग के अंदर ही हो जाएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर ट्रैकिंग वेयरहाउसिंग के अंदर ही हो जाएगी। बाकी ये ट्रैकिंग खुद भी कर सकते हैं, कस्टमर से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं ना, कस्टमर के साथ व्हाट्सएप वगैरह चीजें कर सकते हैं। दुबई के अंदर शॉपिफाई इज मच बेटर देन अमेज़न। और मजे की बात, बहुत मजे की बात बताता हूँ, दुबई में सिर्फ और सिर्फ लोग अमेज़न की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई किसी किस्म की शॉपिफाई की ट्रेनिंग कोई दे ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई शॉपिफाई पे सेलिंग इनको आती ही नहीं इतनी ज्यादा। यहाँ पे लोगों ने अमेजोन और नून पे ही अपना पूरा पूरा ठिकाना बनाया हुआ है। जिसने पाकिस्तान में काम नहीं किया उसको अवॉइड करना चाहिए यूएई में डायरेक्टली आना। पाकिस्तान से यूएई इन्वेंटरी भेजने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मैं भी नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनसे भिजवा दें। हाँ, ये जफर याकूब साहब का सवाल है कि किस तरह पाकिस्तान में कैसे मिलेगी पेमेंट। पाकिस्तान में आपके अकाउंट में रेमिटेंस आया करेगी, ठीक है, पाकिस्तान में आपके अकाउंट में रेमिटेंस आ जाया करेगी, डायरेक्टली रेमिट हो जाएंगे पैसे, दिरहम्स को रेमिट कर देंगे आपके PKR बैंक अकाउंट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। ROS मिनिमम 6 होना चाहिए, 6। अमीर अली, आप कोई फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढे जो आपके लिए माल लेके आ सके, ठीक है, आपको सोर्सिंग खुद करनी है। सोर्सिंग करने के लिए आपको किसी टीम की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप लोग अपनी सोर्सिंग खुद कर सकते हैं। अली रजा साहब, आपके सवाल का पहले भी जवाब दे चुका हूँ, वापस जवाब दे रहा हूँ, 300 दिरहम फेसबुक और टिकटॉक दोनों पे खर्च होंगे, ठीक है, 100 दिरहम पर डे, 50 ऑन फेसबुक, 50 ऑन टिकटॉक, ठीक है। मुअज्जमल दुबई टू सऊदी एक्सप्लेन करें, दुबई टू सऊदी क्या एक्सप्लेन करें, ऑर्डर सऊदी से आएगा तो यहाँ से सऊदीया चले जाएगा, नथिंग एल्स। पेमेंट साइकिल हमारा 7 to 15 days है, 7 to 15 days है, अगर आपका वॉल्यूम अच्छा होगा तो आपका और बेहतर हो जाएगा। जो UAE रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, जो UAE रेजिडेंट्स हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, उनको हमारी जरूरत ही नहीं है, वो तो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, कुरियर के अंदर सारी चीजें कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें करनी है जो आप पाकिस्तान में करते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि पाकिस्तान और दुबई में कोई फर्क है, जिस तरह पाकिस्तान में काम करते हो उसी तरीके से दुबई में भी काम होगा, वही कुरियर का अकाउंट खुलेगा आपका, आप खुद खोलेंगे कुरियर का अकाउंट, हम आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के देंगे, वेयर हाउस का अकाउंट खोलेंगे उसमें भी आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा अपना, आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग में आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, हर चीज में आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपका अपना होगा, आप हर चीज की ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम जैसे पाकिस्तान में करते हैं ऐसे ही दुबई में करेंगे। ऐसा नहीं है कि दुबई में सारे काम हम आपके लिए करेंगे, करना सिर्फ आपको है, हम आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, लीगली फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको हम जो है जितने भी रिसोर्सेस करनी है, ठीक है, वो उन सब चीजों के अंदर हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, करना आपने ही सब कुछ है, बस लाइसेंस हम आपको कर रहे हैं और कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं दे रहे। अगर आपका कोई जॉब वाला भाई है, जॉब वाला कोई रिश्तेदार है, बहुत मुश्किल है कि कोई भी आपका जॉब वाला रिश्तेदार आपको सपोर्ट करे, क्योंकि वहां पे उसके अकाउंट में पैसे आएंगे तो उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। कोई बिजनेस वाला आपको कोई रिश्तेदार है जिसकी बिजनेस कंपनी है वहां पे, वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा। कोई अमीर अली, कोई मसला नहीं होता यहाँ से भेजने में। अच्छा, चाइना मॉल से सोर्सिंग नहीं कीजिएगा, ड्रैगन मॉल चाइना मॉल की सोर्सिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूं अभी, ड्रैगन मॉल की सोर्सिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ड्रैगन मॉल से सोर्सिंग मत कीजिएगा, वहां पे सही प्राइस नहीं मिलता। वाइज में नहीं मंगा सकते, यू कैन मेक, यू कैन गेट इन PKR बैंक अकाउंट और यू कैन गेट इन USDTs। बिल्कुल राणा सैफ अली, आप बहरेन में हो, आप काम करो, कोई मसला नहीं है। मेरी कम्युनिटी का लिंक मेरी प्रोफाइल पे, मेरे लास्ट पोस्ट देखो उसके अंदर मेरी कम्युनिटी का लिंक है।
क्लियर हो गई बातें, कोई हिडन चार्जेस नहीं ड्रॉप शिपिंग एक्सपेंसेस में खाली आपने एड्स चलानी है और कुछ भी नहीं करना। हैंडमेड मोहम्मद माजिद हैंडमेड माफिया भी दिखाया ना यासिर भाई ने। वेयर हाउस में प्रेप चार्जेस देखें, ये जो प्रेप चार्जेस और कुरियर चार्जेस है ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, यस बिल्कुल आप लगा सकते हैं एज एन एफिलिएट। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस हम ग्रुप कम्युनिटी में अनाउंस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, या तो यासिर भाई की कम्युनिटी ज्वाइन कर लें या हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसी कम्युनिटी के अंदर इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें हो जाएंगी। हमारी पेमेंट 7 से 15 दिन के अंदर हमारे अकाउंट से यहाँ से रिलीज हो जाती है पेमेंट्स, 7 to 15 days। जी मोहम्मद अफजल आप कर सकते हैं ये काम, यूएई में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बट सिर्फ हमारे थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी और के थ्रू करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट रिस्क होगा, प्लीज उसकी R&D जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यूएई ड्रॉप शिपिंग मॉडल डिफाइन क्या करना है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल यार सिंपल है, प्रोडक्ट्स लिस्टेड होती हैं, आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके एड्स चलाते हो, ऑर्डर आता है तो ऑर्डर पीछे से खुद ही फुलफिल हो जाता है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस। वन प्रोडक्ट करो, 5 प्रोडक्ट करो, 10 प्रोडक्ट करो, जो करो कोई मसला नहीं है। डिलीवरी गाय यूज करते हैं? नहीं, डिलीवरी गाय यूज नहीं करते हम, डिलीवरी कंपनी यूज करते हैं। डिलीवरी कंपनी हम लोग को अथॉरिटी देती है कि हम आप लोग के लिए भी अकाउंट्स बना के दे सकते हैं। वेयर हाउस एड्रेस फॉर अलीबाबा, वो तो ऑब्वियसली जब हमारा 3PL एग्रीमेंट होगा तो आपको वेयर हाउस एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वुडन आइटम्स चलेंगी, सारे वुडन आइटम्स, होम डेकोर। यहाँ पे लोगों के पास खर्च करने को पैसा बहुत है यार, मतलब आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे लोगों के पास खर्च करने को पैसा बहुत है। इतना सा दुबई है, बेचारे कहाँ खर्च करेंगे? JBR बीच जा सकते हैं, बीच पे इतना खर्चा ही नहीं होता। यहाँ पे लोग क्लब्स में रातों को इतना पैसा उड़ाते हैं, इतना पैसा उड़ाते हैं, आपकी सोच है। ठीक है, मजे की बात, अगर एक काम की प्रोडक्ट आपने एक बंदे को सेल कर दी है तो वो जाहिर है फ्लैट में 10-10 बंदे रहते हैं एक एक कमरे में, तो वो ना आपकी माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छी होती है, आपकी रिपीटेड ऑर्डर्स काफी अच्छे आ रहे होते हैं अगर आपने कोई ढंग की प्रोडक्ट बेची है, अच्छी प्रोडक्ट बेची है। बाकी आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर 5 से 10 हज़ार दिरहम है ना, तो आप देखिए अगर आपकी 5 हज़ार दिरहम है तो आप उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट आपकी कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो कम से कम हो, ताकि आपके कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे भले यूनिट आपके सेल हो, मतलब आप मंगवा सकें। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हाई है तो आप हाई टिकट में जा सकते हैं, और हाई टिकट का जो मज़ा दुबई में है वो कहीं पे भी नहीं है, आप दबा के उससे जो है वो प्रॉफिट निकलवा सकते हो। अच्छा, इस पोर्टल में सारी चीज़ों में जो मैं फिजान भाई ने बता दिया है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन वगैरह और इसकी सारी प्रोसेसिंग और ट्रेनिंग जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में अनाउंस होगी, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो ठीक है, अगर नहीं की तो मेरी वॉल पे जाइएगा, फिजान भाई के वॉल पे जाइएगा, जो पिन पोस्ट है टॉप की वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, तो वहां पे इंशाल्लाह आज रात को हम वहां पे डिटेल सारी अनाउंस कर देंगे। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, जो गुड न्यूज है वो मैं आप लोगों को दे दूं। गुड न्यूज ये है कि मैं और यासिर शरार साहब कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यासिर भाई को मैसेज आता था कि आपका कोर्स लूं या फैजान भाई का कोर्स लूं, फैजान भाई को मैसेज आता है यासिर भाई का कोर्स लूं या आपका कोर्स लूं। नाउ व्हाट एवर वी विल डू टुगेदर इंशाल्लाह, हम लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची, लाहौर और पेशावर में फिजिकल सेंटर्स भी खोल रहे हैं, जहाँ पे लोग आए इन्वेस्टमेंट्स लेके आए अपनी, वहाँ बैठे एक महीना, वहाँ बैठ के लॉन्च करें, पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ हम लोगों ने चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। कराची, लाहौर, पेशावर में फिजिकल सेंटर्स भी खोल रहे हैं, ऑनलाइन भी खोल रहे हैं, बट इस दफ़ा की चीज़ें जो है बहुत ही क्लास की हैं। ठीक है, इस दफा
बहुत ही कोई क्लास की चीजें खोल रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। ऑनलाइन सपोर्ट पोर्टल बना रहे हैं जिसपे आप लोगों से सपोर्ट भी कर सक सपोर्ट में भी आप उनके साथ जो है ना बातचीत कर सकोगे। क्वालिफाइड लोगों को भी हायर किया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा चीजों के अंदर। अब चीजों को बहुत चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चीजों का जो है पूरा का पूरा एक होता है ना, एक समझे ऊपर से लेके नीचे तक चीजों को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दुबई के अंदर इंशाल्लाह हमारा फिजिकल सेंटर खुल रहा है, इस्लामाबाद में खुल रहा है, इस्लामाबाद में नहीं खुल रहा, इस्लामाबाद में तो है इनके पास, लाहौर में खुल रहा है, कराची में खुल रहा है, पिशावर में खुल रहा है, फिजिकल सेंटर्स भी खुल रहे हैं इंशाल्लाह। सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अगर LLC हो तो भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं प्रैक्टिकल कर। ये जितने भी चीजें आप लोगों को बताइए, किसी किस्म की वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकते आप, कोई VA नहीं बनेंगे, आपको कोई फ्रीलांसिंग नहीं करने को मिलेगी। आप अपना काम करना चाहते हैं तो इस काम के अंदर शामिल हो, ठीक है। इस चीज को सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करें जब आप इसको खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा अच्छा मैं भी, हाँ हाँ, मैं एक चीज़ आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि अभी हमारी जो पाकिस्तान का जो कोर्स है, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो, और जो UAE का कोर्स है, अब मैं आपको अगर रात को, तो मैं जाहिर है कम्युनिटीज में आपके साथ शेयर कर देंगे सारी चीज़ें कि कैसे आपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने क्या करना है। लेकिन एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अगर तो आपका यूएई पाकिस्तान में कुछ हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है तभी आप यूएई की तरफ जाएं। अगर आपका यूएई का पाकिस्तान के एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तानी मॉडल की तरफ जाएं, यहाँ पे हाथ साफ करें, देखें वहाँ पे अगर प्रॉफिट ज्यादा है ना तो एट द सेम टाइम वहाँ पे लॉस का अंदेशा भी ज्यादा है। वहाँ प्रॉफिट आपको दिरहम में होगा तो जाहिर है लॉस तो आपको पैसों में नहीं होगा, लॉस भी आपको दिरहम में ही होगा। और इसी तरह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है और आपको पाकिस्तान के एक्सपीरियंस है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम है तो फिर भी मैं आपको पाकिस्तान की तरफ रिकमेंड करूंगा। दुबई की तरफ आप तब जाए जब आपने पाकिस्तान में कोई 1,500 ऑर्डर्स डिलीवर करवाए हो, या आपने ऑर्डर डिलीवर करवा के आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी बनी हो तो आप यूएई वाले मॉडल की तरफ जाए। ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा कमाएंगे यूएई में पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि वहां पे अगर नुकसान करेंगे तो जाहिर है नुकसान भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। पाकिस्तान में नुकसान का इतना कोई अंदेशा नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तो एड कॉस्ट आपकी चली जाएगी बस, इसके अलावा और इतना नुकसान नहीं होता। कंप्लीट बिजनेस मॉडल जो इतनी ट्रेनिंग होगी, कंप्लीट आउटलाइन वगैरह ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। 1 वीक तक हमारी रजिस्ट्रेशन चल रही होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाए। हाँ यूएई बेस्ट है, अगर आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है तो यूएई बेस्ट है। अली रजा बुखारी साहब, हम लोग के कोर्सेज बिकते रहते हैं, हम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे कोर्सेज से कोई बंदा जो है पैसे कमा ले, तो अगर कोर्स दे के कोई बंदा पैसे कमा ले दिस इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। हमें इससे नहीं टेंशन कि कोई कोर्स बेच रहा है नहीं बेच रहा, वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट, नहीं, बहुत कोर्स देखिए बेटर फ्री है। में भी पढ़ा हुआ है, कोर्स तो आप फ्री वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आती है वो सपोर्ट की आती है कि आपको सपोर्ट मेंटोर की तरफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो वहां पे आके बात रुक जाती है। आपको अगर कोई कोर्स बेच रहे तो उससे बेहतर है यूट्यूब पे जाए या फिर शरार शॉपिफाई लिखे वहां पे कोर्स कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जब आपसे चार्जेस लिए जाते हैं तो वो सिर्फ अपने टाइम का होता है और आपके जो सपोर्ट मिलता है उसके होता है और किसी का नहीं होता। व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आप लोग को सारी डिटेल्स, वेयर हाउसिंग की डिटेल्स भी दे देता हूँ, सारी चीज़ें दे देता हूँ। फरहान जमील राव, ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हमारी वेबसाइट पर शोर होंगे तो फिर खुद ही फिलफिल कैसे होंगे, इसी को तो टेक्नोलॉजी कहते हैं। यही तो टेक्नोलॉजी है भाई। उस्मान यूनस का कोर्स ठीक है, वो भी खिलाड़ी है भाई, उससे सीख लो, हमसे नहीं सीखना। तो जो यूएई में रहते हैं वो यूएई में स्टार्ट करें, बिल्कुल। कोशिश की है कि
आपको बहुत सारी चीजें बताई जाए, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस जो है काफी हद तक जो है ना इमेच्योर है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है ई कॉमर्स के बारे में, तो मैं बहुत सारी चीजें खोल नहीं सकता। बट मैं एक और चीज ये कर सकता हूँ कि मैं और भी छोटे छोटे सेशंस करूंगा जिसके अंदर मैं और भी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मार्केटिंग है, सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है, आप लैंग्वेज बैरियर की बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं फिजान भाई ने आपको बता दिए, वहाँ के अरबी लोग जो है वो इतनी अच्छी और साफ सुथरी उर्दू और हिंदी बोलते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये अरबी है कि कौन है। वहाँ के श्रीलंकन उर्दू इंग्लिश बोलते हैं, नेपाली जो है वो उर्दू बोलते हैं, सारे ए टू जेड जो है वो वहाँ पे उर्दू समझने वाले हैं। और अगर उर्दू नहीं समझते तो कम से कम इंग्लिश तो हर कोई समझता है। ये बाकी सऊदी अरब की तरह नहीं है कि जिस सिर्फ अरबी आती है, इंग्लिश भी वो अरबी लोग इंग्लिश काफी हद तक समझते हैं। अच्छा अभी जितने भी हमने बातें की हैं उसका मैं नोट बना के आप लोग को इंशाल्लाह कम्युनिटी में वो सारे नोट्स के मध्य में आप लोग के साथ है ना शेयर कर देता हूँ, कि ताकि जो भी हमने बातें की, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले वो बस लिखे हुए मैं कम्युनिटी के अंदर नोट्स में डाल देता हूँ। आप बस जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, मैं सारी चीज़ें इन रिटर्न दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, मैं अभी जो जो बातें लिखी हैं वो मैं सारी कम्युनिटी में डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है यासिर भाई, लेट्स एंड इट। जी, ओके एवरीवन, थैंक आप यू सो सबका मच। क्या टाइम देने का, इंशाल्लाह इस तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे कुछ कुछ दिनों के वक्फे से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी मोहम्मद अरशद, मैं ही सिखाऊंगा और कौन सिखाएगा, अब तो मैं जवान हूँ। अच्छा, कतर वाले यूएई में स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।